क्लास सिक्स्थ पोयम नंबर वन द क्विरल। क्विरल मतलब होता है झगड़ा करना, लड़ाई करना। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर टू क्विरल। यह बहुत ही साधारण है, कॉमन है कि भाई और बहन के बीच में झगड़ा हो। ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू टेल वाई दे क्विरल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी उन्हें पता भी नहीं होता कि ये लड़ क्यों रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कभी भाई भाई बहन के बीच में कुछ ऐसे झगड़े हो जाते हैं जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं होता, बस बिना किसी बात के दोनों लड़ने लग जाते हैं। तो क्विरल यानी कि झगड़ा, झगड़े के बारे में एक क्विरल है। तो यहाँ पे कन्वर्जेशन दे रखी है आपको, बातचीत दे रखी है भाई और बहन की। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। आई क्विरल्ड विद माई ब्रदर। यहाँ पे ये लड़की कह रही है कि मैं अपने भाई के साथ झगड़ा, मैंने अपने भाई के साथ झगड़ा किया। आई क्विरल्ड विद माई ब्रदर। आई डोंट नो वट अबाउट। मुझे याद नहीं है कि किस बारे में झगड़ा किया था। वन थिंग लेड टू अनदर। एक बात से दूसरी बात बढ़ गई, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ हुई। एंड सम हाउ वी फेल आउट। और किसी तरीके से, और फिर हमने क्या करा, एक दूसरे में झगड़े की भावना को फील किया और हमने एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर दिया। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट। इसका जो स्टार्टिंग था, लड़ाई की जो शुरुआत थी, वो बहुत छोटी थी, स्लाइट थी। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो अंत था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, यानी कि झगड़ा हुआ तो छोटी सी बात पे था, लेकिन उसका एंड जो था वो बहुत ही बड़ी बात पर जाकर पहुंच गया। ही सेड इट वॉज राइट। उसने कहा कि वो सही था। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। मैं जानती थी कि वह गलत था। वी हेटेड वन अनदर। हम एक दूसरे से नफरत कर हमने एक दूसरे से नफरत की। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक। और जो दोपहरी हुई वो ब्लैक हो गई। ब्लैक मतलब दोपहर तक हमारा झगड़ा बहुत ही भयानक हो गया। देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक। और फिर अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से, मेरे भाई ने थम्ड मतलब होता है पैटेड करना, यानी थपथपाना। मेरे भाई ने मेरे कंधे पर थपथपाया एंड सेड, बैक पर थपथपाया और कहा, ओ कम अलोंग, अरे मेरे साथ आओ। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। हम पूरी रात नहीं लड़ सकते। आई वॉज इन द रोंग सो ही वॉज इन द राइट। मैं गलत थी सो ही वॉज इन द राइट। और वो सही था, यानी कि यहाँ पे भाई ने समझदारी दिखाते हुए अपनी बहन के साथ क्या करा, झगड़े को ख़त्म कर लिया। तो यहाँ पे यही होता है, आप खुद भी, अगर आपका भाई और बहन है तो आप खुद भी ये बात फील करेंगे कि हम अपने भाई बहन से बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगते हैं, क्विरल करने लगते हैं। कई बार तो उसका रीज़न होता है और कई बार उसका रीज़न नहीं होता, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमें स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहिए जैसे कि पहले इन दोनों के बीच में हो गया था, बल्कि उस क्विरल को फॉरगेट करना चाहिए, भूलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यही आपकी पोएम है। तो यहाँ पे आपको कुछ अच्छा पॉजिटिव सिखा रहे हैं यहाँ पे, कि आपको अगर झगड़ा होता है तो उसे भूल जाना चाहिए।